जी हाँ दोस्तों, हाल ही में आपने भी खबरें सुनी होंगी कि अभिनेत्री पूनम पांडे को गोवा में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों जानकारी दे दें कि अभिनेत्री पूनम पांडे और उनके पति सैम बॉम्बे को गोवा की एक कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि दोनों अभी गोवा से बाहर कहीं नहीं जा सकते और पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा है कि पूनम पांडे और सैम बॉम्बे को तब तक जेल में रखा जाएगा जब तक दोनों 20,000 रुपये पर व्यक्ति जमानत की राशि जमा नहीं करा देते। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों के अगले 6 दिनों तक पुलिस स्टेशन में आकर रोजाना अपनी हाजिरी लगानी होगी। दोस्तों आपको पूरा मामला बताते हैं। हाल ही में अपनी गोवा ट्रिप के दौरान आपत्तिजनक वीडियो शूट कराने का आरोप लगा था पूनम पांडे पे, जिसके चलते पूनम पांडे के खिलाफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी की महिला विंग ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। इसके साथ ही केनाकोना पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। अब पूनम पांडे के आपत्तिजनक वीडियो फैलाने के लिए कानूनी मुसीबतें बन गई। पूनम पांडे पर आरोप है कि एक सरकारी संपत्ति में अनधिकृत रूप में प्रवेश किया और आपत्तिजनक वीडियो शूट किया। दक्षिण गोवा जिले के कोनकोना शहर के कई नागरिकों ने इस शूटिंग के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आरोप लगाया था। इसके बाद दो पुलिसकर्मी जो वहां पर निरीक्षक यानी कि जो शूटिंग के वक्त ध्यान दे रहे थे कि इनको कोई दिक्कत ना हो, उनको भी निलंबित कर दिया गया। दोस्तों यही पूरा मामला है किस प्रकार से इन शूटिंग मामले के चलते पूनम पांडे पर विवाद बढ़ा, फिर उन पर केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होने के बाद फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, गिरफ्तार किया गया, अब उनको जमानत भी दी जा रही है। तो पूनम पांडे की कॉन्ट्रोवर्सीज के साथ पुराना नाता रहा है। जब अपनी अगली वीडियोस में कुछ बताएंगे दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, बने रहिए पूनम पांडे की कॉन्ट्रोवर्सीज जानने के लिए और इससे जुड़ी दिलचस्प खबरें हम लाते रहेंगे। नेक्स्ट 9 लाइफ रिपोर्ट।